ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी सी है, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम अपने घर में झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी ऐसी तीन जगह है हमारे घर में जहाँ पे हमें झाड़ू बिल्कुल भी रखना ही नहीं चाहिए, वरना हमारे घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे पहला काम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यह है कुर्सी, चेयर, है ना। जो भी आपके घर में जिस भी कमरे में चेयर रखा रहता हो, सोफा रखा रहता हो, ऐसे सब जगहों पे जहां पे लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस जगह पे, उस कमरे में हमें झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस कमरे में झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में सास से झगड़ा होगा, ससुर से झगड़ा होगा, यानी कि ससुराल का पूरा माहौल खराब होगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करिए कि जहां पर लोग बैठने का काम करते हैं, आपके घर में जहां सोफा रखा हुआ है, टीवी रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, वहां उस कमरे में आपको झाड़ू नहीं रखना। ये हो गया पहला, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की। आपको यहां पर दूसरा बताना चाहता हूं, और स्क्रीन पर यहां पर आपको एक बेडरूम दिख रहा है, ठीक है। आपके घर में जहाँ पर हस्बैंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी सोते हैं, उस कमरे में कहीं पर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ना ही कहीं पर भी और ना ही बेड के नीचे आपको झाड़ू रखना चाहिए। अगर आप पति पत्नी जहाँ सोते हैं उस कमरे में झाड़ू रखते हैं, तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और तीसरी और सबसे लास्ट काम ये है आपके बच्चों के लिए, है कि आपके घर में जहाँ पर खाना बनता है, आपके घर में किचन है, तो किचन या फिर जहां पर भी खाना बनता है आपके घर में, जहां पे लोग खाते हैं बैठ करके, वहां पर भी हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगहों पे झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ही चंचल होंगे, बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि गलत रास्ते पे जाने का उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जगह ऐसी है जहां पे हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूं। मुझे पता है आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा, आप कहोगे भैया हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हमारे घर में सोफा कमरा हो, हमारे घर में बेडरूम हो, हमारे घर में किचन हो। हमारा तो एक ही, पूरा एक ही कमरा है, उसी में हमारा किचन भी है, उसी में बेडरूम भी है, उसी में बैठने का भी है, तो हम क्या करें। अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने घर में जो झाड़ू रखें वो किसी चीज़ के नीचे ना रखें, कहने का मतलब चेयर के नीचे ना रखें, बेड के नीचे ना रखें, ऐसे साइड में रख दें, लेकिन किसी चीज़ के नीचे ना रखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही कमरा है, दो ही कमरा है, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि नहीं हम यहाँ पे तो हमें और कहाँ हम रखें, हमारे पास तो कमरा ही नहीं है, तो आप किसी बेड के नीचे ना रखें, चेयर के नीचे ना रखें, और कोशिश ये किया करिए कि आपका पैर झाड़ू पर ना लगे। बस यही काम किया करिए, आपके घर में कभी भी कोई भी क्लेश नहीं होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पर बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, कुछ पूछना रहा करें नीचे कॉमेंट ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।